हेलो क्लास नाइन्थ बेटा, न्यू चैप्टर एटम्स इन मॉलिक्यूल्स। पहली बात तो ये, एक तुरंत आप एक होमवर्क ही आप समझ लीजिए कि प्लीज़ अगर जो आपको जो जानकारी हो अबाउट एटम इन मॉलिक्यूल क्या होते हैं, यू कैन व्हाट्सअप। नहीं तो इस एटम और मॉलिक्यूल को सेपरेटली बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। मास क्या होता है, सॉल्यूशन क्या, ये सारी चीज़ें तो हुई हैं पहले से, लेकिन अब एटम और मॉलिक्यूल और डीप में, और आप ये कर नैनो एरिया में हम जा रहे हैं। जैसे अभी ये तक कोई आदमी था, ठीक है ना, अब उसके हाथ पैर में उंगलियां हम पढ़ेंगे, और भी जितने मतलब और डीप है एटम और मॉलिक्यूल। किसी सब्सटेंस का स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम और मॉलिक्यूल नहीं है, मतलब एटम मॉलिक्यूल, फिर एटम को भी इन्होंने डिवाइड किया इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में, तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी सब्सटेंस इज इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एज वेल एज न्यूट्रॉन। बट एटम और मॉलिक्यूल भी हैं, और क्यों है, कैसे हैं, और डिफ्रेंशिएट कैसे किया गया, वो सब हम डिस्कस करेंगे इसमें। ये भी एक यूनिट ही है एटम और मॉलिक्यूल, इनका यूज़ बहुत ज़्यादा है केमिकल रिएक्शंस में होता है। दैट्स वाई वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस चैप्टर। ओके लिसन, देखिए आप चैप्टर 3 एटम एंड मॉलिक्यूल है, नोट्स बनाते चलिए, संडे सेटे से स्टार्ट होगा एटम एंड मॉलिक्यूल। देखिए चलिए, एंशियंट इंडियन एंड ग्रीक फिलोसफर्स हैव ऑलवेज वंडर्ड अबाउट द अननोन एंड अनसीन फॉर्म ऑफ मैटर। हमेशा परेशान रहते थे लोग। द आइडिया ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर वॉज कंसिडर्ड लॉन्ग बैक इन इंडिया। जो मैटर को डिवाइड किया जाता है वो कंसिडर किया जाता है कि इंडिया में ही बनाया गया होगा, लॉन्ग बैक इन इंडिया, अराउंड 500 BC, ठीक है ना, 500 ईसा पूर्व बोलते हैं इसको। एन इंडियन फिलोसफर महर्षि कन्नड पॉस्टुलेटेड दैट इफ यू गो ऑन डिवाइडिंग मैटर, पदार्थ को अगर डिवाइड, वी शैल गेट स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स, अल्टीमेटली ए स्टेज विल कम व्हेन वी शैल कम अक्रॉस द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स बियॉन्ड विच फर्दर डिवीजन विल नॉट बी पॉसिबल। किसी सब्सटेंस को अगर तोड़ते जाए और छोटा 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 करते हैं, तो एक समय ऐसा है उसको डिवाइड ही नहीं कर पाएंगे और नहीं तोड़ पाएंगे। ये कन्नड़ का कहना था, महर्षि कन्नड़ जो हमारे फिलासफर थे, इंडियन फिलासफर महर्षि कन्नड़। ओके, ही नेम्ड दिस पार्टिकल्स परमाणु। और इन्होंने ऐसा जब समय आया कि वो और डिवाइड नहीं हो पा रहे हैं, तो ऐसे सब्सटेंसेस को उन्होंने बोला क्या, परमाणु, ठीक है ना। अदर इंडियन फिलोसोफर पाकुधा, क्या नाम है भाई इनका, पढ़ लो भाई, पाकुधा कात्यायमा एलोबरेटेड दिस डॉक्ट्रिन एंड सेड दैट दीज पार्टिकल्स नॉर्मली एग्जिस्ट इन ए कंबाइंड फॉर्म विच गिव्स अस वेरियस फॉर्म्स ऑफ मैटर। उन्होंने भी इसको सपोर्ट किया और बोला कि ये जो हैं छोटे छोटे पार्टिकल, ये अकेले नहीं होते, कंबाइंड फॉर्म में होते हैं, और यही फिर कंबाइंड फॉर्म में होने की वजह से मैटर को बनाते हैं। समझ में आई ये बात, 500 BC पहले से भारत देखो कितना एडवांस था, समझ में आ रही बात। अब देखिए, अराउंड द सेम एरा एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्रेटस एंड ल्यूसिपस। अब भाई इनका नाम भी ऐसे अनिल और सुनील जैसा नहीं है ना, और ये साइंटिस्ट लोग का नाम भी जरूरी है नहीं, अनिल सुनील ऐसा है नहीं है, डेमोक्रेटस और लेसिपिस क्या नाम है इनका, चलो ठीक है जो भी है, ठीक है ना। आप डीगर याद करना, ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है ना, याद ही नहीं करना भाई आपको, ये ज़रूरी नहीं है। डेमोक्रेटस एंड लेसिपस सजेस्टेड, ये ग्रीक के थे, इन्होंने क्या किया, सजेस्ट दैट इफ़ यू गो ऑन डिवाइडिंग मैटर ए स्टेज विल कम व्हेन पार्टिकल्स ऑब्टेन कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर। वही चीज़ ये भी कर रहे हैं, डेमोक्रेटस कॉल्ड दीज इंडिविजुअल पार्टिकल्स एटम्स, ग्रीक के थे, एटम्स इन्होंने बोला, और इसका मीनिंग ग्रीक में क्या था, मीनिंग इंडिविजिबल। बात वही है कि एटम्स को हम डिवाइड नहीं कर सकते, ये किसने बोला, डेमोक्रेटस ने। वही कन्नड़ ने क्या उसको बोला था, परमाणु बोला था। ऑल दिस वॉज बेस्ड ऑन द फिलोसॉफिकल कंसिडरेशन एंड नॉट मच एक्सपेरिमेंटल वर्क टू वैलिडेट दीज आइडियाज कुड बी डन टिल 18th century। एक सेकेंड भाई, कुछ ज़्यादा ही तेज पढ़ दिया हमने। ऑल दिस वॉज बेस्ड ऑन द फिलोसॉफिकल कंसिडरेशन, केवल फिलोसॉफिकल था, एंड नॉट मच एक्सपेरिमेंटल वर्क टू वैलिडेट दीज आइडियाज कुड बी डन टिल द 18th century। 18वीं शताब्दी तक केवल ऐसी फिलोसफी लोग झाड़ते थे, और ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ही लोग दे नहीं पाए, ना ग्रीक न कन्नड़, ठीक है ना, अपने जो इंडियन फिलोसोफर थे। तो क्या हुआ, बाय द एंड ऑफ द 18th century, जब 18वीं शताब्दी खत्म हो रही थी, मतलब 1800 आने वाला था, साइंटिस्ट रिकॉग्नाइज द डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स एंड नेचुरली बिकेम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट हाउ एंड व्हाई एलिमेंट कंबाइन एंड व्हाट हैपेंस व्हेन दे कंबाइन। एलिमेंट और कंबाइन के बारे में उन्हें जानकारी मिल गई, तो जब एलिमेंट और कंपाउंड के बारे में जानने लगे, तो और इंटरेस्ट आने लगा कि हाउ एंड व्हाई
एलिमेंट्स कंबाइन, कैसे कंबाइन होते हैं, और अगर कंबाइन होते हैं तो होता क्या है, कंपाउंड बनता है, क्या बनता है और कैसे बनता है, समझ में आ रही ना बात। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन और एटम और मॉलिक्यूल तो छोड़ो अभी, ये लोग एलिमेंट और कंपाउंड के में थोड़े थोड़े जानने लगे। तो एलिमेंट मिलके कंपाउंड बनाते हैं, कंबाइन होते हैं, ये होता है या नहीं होता है, इसके बारे में फिर जिज्ञासा जगने लगी। इस पैराग्राफ का मतलब ये है। एंटोनी एल लेवोशियर, ही इज ऑल्सो द फादर ऑफ केमिस्ट्री, यही भी मुझसे एक इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया था केवी वाले में। एंटोइन एल लेवोशियर लेड द फाउंडेशन ऑफ केमिकल साइंसेज बाई एस्टेब्लिशिंग टू इम्पॉर्टेंट लॉज ऑफ, देखिए ये एटम मॉलिक्यूल ये सारी चीज़ें चलती थी उसी बीच लेवोशियर आए, और इन्हीं चीज़ों को और क्लैरिफाई करने के लिए उन्होंने जो ऊपर हमने डिस्कस किया अब तक 520 से अब तक जो जो हुआ ये जो और साइंटिस्ट है इन्हीं को क्लियर करने के लिए लेवोशियर ने क्या किया, फाउंडेशन लेड द फाउंडेशन ऑफ केमिकल साइंसेज, केमिकल साइंस का फाउंडेशन रखा, कैसे, टू इम्पॉर्टेंट लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। केमिकल कॉम्बिनेशन का मतलब एलिमेंट कंबाइन होकर क्या क्या बनाते हैं और किस रूल के अकॉर्डिंग बनाते हैं, इसको एक्सप्लेन करके उन्होंने केमिकल साइंस का बेस रखा, और फिर उस बेस के ही आधार पर हम एटम क्या होते हैं, इनको डिवाइड किया जा सकता है नहीं किया जा सकता, मतलब इंडिविजुअल पार्टिकल लास्ट क्या है, इस सब इसी बेसिस पे ये दो जो लॉ आए निकल के इसी बेसिस पे डिसाइड हुआ थे। बात समझ आई ना, जो हम परेशान थे इधर ऊपर लेके सबका सोल्यूशन ये जो दो लॉज आए उसके बेसिस पे हुआ, ठीक है ना बेटा। इंडिविजिबिलिटी एटम में होगी कि नहीं होगी, मतलब इंडिविजिबल सबसे किसी सब्सटेंस को तोड़ते हुए जाए तो सबसे लास्ट सब्सटेंस कौन सा मिलेगा, दीज आर द क्वेश्चन या दीज वर द क्वेश्चन विच वेर द प्रॉब्लम्स ऑफ दीज साइंटिस्ट, और उन्होंने इसको ऐसे ऐसे पहले क्रम में आया, फिर लेवोशियर ने दो लॉज दे दिया और उसी बेसिस फिर हम कंक्लूजन निकालने लगे। सी वट वर दोज लॉज, सी पहला था लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है ना, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, केमिकल मतलब एलिमेंट कंबाइन हो क्या बनाते हैं, और इसके दो लॉज उन्होंने दिए, द फॉलोइंग टू लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन वेर, भाई हमने बताया वेर एस्टेब्लिश आफ्टर व्हाट, आफ्टर मच एक्सपेरिमेंटेशन बाय लेवोशियर एंड जोसेफ एल प्रोस्ट, जो भी साइंटिस्ट का नाम है, साइंटिस्ट का नाम बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं, एक याद कर लेवोशियर और इसका याद कर लेना क्योंकि लेवोशियर इंपॉर्टेंट, ये दो लॉज दिए हैं जिनके बेसिस पे हम आगे काम करेंगे, लेकिन और सबके साइंटिस्ट, हाँ इनका अपना जो इंडियन है महर्षि कन्नड़, इनका और ये लेवोशियर, और बस लेवोशियर ये दो नाम आपको याद रहे कि अब ये पूछ ही दिया कि लॉ ऑफ सॉरी ये केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉ किसने दिए, तो लेवोशियर एंड प्रोस्ट, बस दैट्स इट। तो इन्होंने दो लॉ क्या दिए, पहला दिया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये जो एक्टिविटी है 3.1 ये होमवर्क है, होमवर्क इन सेंस आपको केवल यहाँ तक रीड कर लेना है, देखना है समझ में आ रही है कि नहीं चीज़, मैं नेक्स्ट क्लास में फिर इसको डिस्कस करूँगा, इसको केवल रीड कर लेना है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वही है जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम पढ़ते हैं ना, यहाँ लिखा भी है ये मैं बता रहा हूँ, लेकिन ये तीन लाइन आई कैसे ये इस जो ऊपर एक्टिविटी, इसलिए मैं पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ, ये पढ़ के रखना, नेक्स्ट क्लास में इस एक्टिविटी को डिस्कस करूँगा, अभी कंक्लूजन मैं बता दे रहा हूँ कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है और कैसे होता है, ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे थ्रू दिस एक्टिविटी। सी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का क्या होता है, एनर्जी ना तो क्रिएट की जा सकती ना डिस्ट्रॉय, सेम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही उसको ना ही बनाया जा सकता है ना ही बिगाड़ा जा सकता है इन ए केमिकल रिएक्शन, तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लेवोशियर और प्रोस्ट ने इसको मिलकर दिया, और अब जब ये रूल आ गया, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास आया, तो इससे फिर हम निकालते हैं कि जब मास डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा तो कहीं ना कहीं कुछ हो रहा होगा, कहीं ना कहीं वो यूज़ हो रहा होगा, कहाँ यूज़ हो रहा होगा, फिर उसके बेसिस पे एटम मॉलिक्यूल और ये सब चीज़ें आएंगी, और फिर उसको डिविजिबिलिटी को एटम डिवाइड होकर फिर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, फिर हम फर्दर पढ़ते जाएंगे। तो ठीक है, यहाँ तक करी छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ मैं, इस एक्टिविटी को प्लीज़ पढ़िए, इस एक्टिविटी को कराने के बाद नेक्स्ट दूसरा लॉ हम पढ़ेंगे, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, अगर कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क डायरेक्टली। थैंक यू।